आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, मैं हिमांशु और स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। इस वक्त हम खड़े हैं चक्रपुर के एक साईं बाबा मंदिर में, जहां पर एक चोर ने अपने इस मंदिर को अपना निशाना बना रखा है। पहले उस चोर ने 6 महीने पहले चोरी करी, उसके बाद उसने इस 27 दिसंबर को चोरी करी और उसके बाद अब 1 जनवरी की रात को चोरी करी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। एक बार अपना नाम बता दीजिए। आदित्य मिश्रा। क्या कुछ था, क्या कौन है वो चोर और कैसे चोरी करा और क्या कुछ चोरी करा, एक बार बताएं पूरा। सर, एक है, एक लड़का है जो कि यहीं रहता है बगल में, और वो जो है क्या कहते हैं, एक बार 27 तारीख को हमारे मंदिर में आया, घुस करके खिड़की तोड़ के आया और हनुमान जी का मुकुट ले गया और छोटी माता जी का छत्र ले गया। इसके बाद पुनः एक तारीख की रात्रि को आता है वो, और माता जी के चरण पादुका और क्या कहते हैं माता जी का मुकुट वो ले गया। उसके बाद उससे पहले 6 महीना पहले चोरी हुई थी मंदिर में, सर वो सब कुछ ले गया था, वही लड़का है। तो 6 महीने पहले वो 27 तारीख को जब चोरी हुई थी तो पुलिस को कोई FIR दर्ज नहीं करा? पुलिस को उसकी मोबाइल छूट गई थी सर यहाँ, और दान पेटी टूट रही थी तो बगल में पुलिस वाले लोग खड़े थे, उन्होंने आए और देखा, उसको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गया और शिव जी की दान पेटी तोड़ के ले गया और हनुमान जी की दान पेटी तोड़ रहा था। इतने में सब लोग जान गए, बाहर आवाज गया तो भाग गया सर। तो देखिए, उस चोर ने पहले 6 महीने पहले भी चोरी करी थी और उसके बाद, आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चोरी कर चोर इस 1 तारीख को चोरी करके गया था। ये देखिए, माता जी की जो ये चरण है, इसके ऊपर चांदी की या जो भी होता है इसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी। इसको उन्होंने पहले इस चोर ने पहले वो चुराया, उसके बाद जो ये माता जी की मूर्ति है, इनके मुकुट को उसने चुराया और चुरा कर ले गया। दिखाते हैं आपको कहाँ से यह चोर कूद कर आया था। यह चोर यहाँ, ये जो जाली दिख रही है आपको, इससे कूद कर आया था, जहाँ से इस चोर ने यहाँ से आया और इसको चोरी, ये जो जितने भी चीज़ें थी, दो तीन चीज़ें थी, इसको चुरा कर ले गया। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये भी बता रहे हैं कि गुरुग्राम पुलिस ने थोड़ी देर पहले उसको यहाँ गिरफ्तार कर लिया है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये चोर ऐसे ही चोरी करके पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते रहेंगे। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दें और क्या काम करते हैं आप मंदिर में? जी, यहाँ भोग प्रसाद बनाते हैं, सर सफाई करते हैं, भगवान को ही सेवा समार करते हैं। तो क्या कुछ हुआ था बताएंगे? सर, एक नाम है लड़का के, सनूज नाम है, तो ये पहले मंदिर में ऐसे ही आता था घूरने, पूजा उजा के भावना से आता था, तो किसी के पता नहीं चलता था कि लड़का इसे है ना। ये भंडारा बढ़ता था, भंडारा लेता था, खाता था, सब लोग दे दिया जाता था, और आदमी आता था उसके साथ वो भी आता था, मगर ये धीरे धीरे क्या किया, चोरी किया, धीरे धीरे क्या किया, कभी कुछ, कहीं माता रानी के, कभी बर्तन, कभी ये, कभी वो उठा के वाड़ में बेच देता था। फिर उसके जब पता चला तो इसमें एगो पहले पंडित जी रहते थे, वो उनको नाम था पूरन पंडित जी, तो क्या करते थे कि जा करके बच्चा समझ के माफ़ कर देता था, छोड़ देता था कि चलो कूड़ा केवाड़ी है तो उसे क्या है ना। अब ये क्या किया, धीरे धीरे सब, कभी भोलेनाथ के, कभी माता रानी के, कभी मुकुट, कभी चरण, कभी भोलेनाथ के चरण उठा के ले गया, कभी सब भोलेनाथ का ये लगा था, पूजा करने का सिवली लगा था, वो सब उठा के ले जाना स्टार्ट करने लगा। तो इसका यहाँ सब घूरते टहलते रहता था ना, बच्चे जैसे खेलते रहता था, उसका सब चीज़ के मालूम था। ऐसे ऐसे करते करते पहले पंडित जी के मोबाइल भी ले चल गया, हमको भी मोबाइल ले चल गया, पंडित जी धमकाया भी, बच्चे समझ के माफ़ कर दिया, हम भी छोड़ दिए और चलो कोई बात नहीं, मगर फिर भी नामे नहीं लिया। अब धीरे धीरे सब मंदिर में भी ऐसे करने लगा। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। आदित्य मिश्रा। तो क्या कुछ हुआ था, कब हुआ था, एक बार बताएंगे जो चोरी हुई है? सर, ये 1 तारीख की रात्रि में यहाँ पर इधर से साइड से एक लड़का आया और वो जो है यहाँ का सामान लेके गया सर, वो कैमरे में दिख रहा है। क्या क्या चोरी करा उसने? माता जी के चरण पादुका और माता जी का मुकुट। अच्छा, तो कैमरे में कैद हो गई ये तस्वीर? हाँ जी, कैमरे में दिख रहा है। तो कौन है ये चोर, कहाँ रहता है? सर, यही बगल में रहते हैं, और क्या कहें, उनके माता पिता को कल पुलिस वाले ले गए थे और क्या कहते हैं अभी वहीं पर रखे हैं। ये जिसने चोरी की है लोकल है या बाहर का? लोकल नहीं, कहीं बंगाल या यूपी के लोग बता रहे हैं कि वहाँ का है। पहले भी चोरी हुई थी, जो भी है बताएं। पहले सर हमारे लगभग 6-7 महीना पहले यहाँ पर जो है ये दान पेटी यहाँ रखा था,
और यहाँ से जो है शिव जी के दान पेटी को जो है शिव जी के दान पेटी को तोड़ दिए और पैसा ले गए। हनुमान जी की दान पेटी तोड़ रहे थे, हथौड़ा मार रहा था। इसके बाद बाहर पुलिस वाले लोग बैठे थे, गश्त में घूम रहे थे, तो उन्होंने जो है वहाँ देखा पीछे से, तो क्या कहते हैं वो आए इतने, वो भाग गया ऊपर से, पता नहीं किसी तरह से निकल के भाग गया। तो पिछली बार जब चोरी करी थी पकड़ा गया था? नहीं पकड़ा गया सर, पकड़ा गया। मालिक हमारे जो मंदिर के हैं वो गए थाने में, मोबाइल दे दिए। अब मोबाइल दे करके जो है वहाँ पुलिस वाले बोले कि 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए दोबारा घटना घटी है। तो मंदिर में लोग नहीं है? चारों तरफ से लोग है सर, चारों तरफ से लोग है। वहाँ थोड़ा सा एक जगह छोटा सा बचता है, जो कि उधर से वो खिड़की तोड़ के आया है, वो खिड़की हमारी लगी है। अच्छा,